भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की देवबंद इकाई ने नगर पालिका परिषद देवबंद के अधिकारी अधिशासी के समक्ष अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नगर अध्यक्ष मुर्तजा कुरैशी ने बताया कि नगर पालिका परिषद देवबंद के विकास के प्रति सुस्त रवैया से उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। देवबंद नगर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिससे मच्छर पैदा होकर बीमारियों को खतरा मंडरा रहा है। नगर में पानी की गंभीर समस्या है, जिससे पानी सभी जगह नहीं पहुंच पाता। जो गड्ढा पानी के कनेक्शन के लिए लिया जाता है, उसे ठीक से नहीं भरते और वह गड्ढे का रूप ले लेता है और उससे हादसे होने का डर रहता है। मोहल्ला बैरून कोटला में शनि मंदिर की सफाई व्यवस्था कराई जाए, स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी है, उन्हें पुनः चालू कराई जाए। भाजपा कार्यकर्ता मुर्तजा कुरैशी की गली की सड़क बनाई जाए, जो ठेकेदारों ने छोड़ दी थी। इस अवसर पर एहसान कुरैशी, साकिर सलमानी आदि उपस्थित रहे। रिपोर्ट अफजल सिद्दीकी। बहुत हो रही है और सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं है और मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और लेट कहीं भी नहीं चल पा रही है। हमारे वार्ड की खुद कम से कम 15 लेटें बंद पड़ी है। हमने यो साहब से मांग की है, क्योंकि विधायक साहब का आदेश था कि आप यो साहब को बता दीजिए एक मरतबा जाके और ये काम होना चाहिए। इससे सरकार हमारी और यूपी गवर्नमेंट को बहुत बदनाम किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि अब आने वाला टाइम इलेक्शन का भी है और सही काम होगा शहर के अंदर, तभी तो आगे हम कुछ वोट दिलवा पाएंगे और आगे अपने कार्यकर्ता बना पाएंगे। हमारा निवेदन यो साहब से यही है कि तुरंत हमारी इस पर कार्रवाई करें और मजबूरन नहीं कि हम चाहते हैं कि वो धरना प्रदर्शन नहीं चाहते, हमें सिर्फ शांति के साथ एक ईओ साहब को ज्ञापन दिया है। इसी बारे में कहना चाहते हैं कि इसे तुरंत कार्रवाई करना आदेश करें।